हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी समाचार। करंट अफेयर्स की ताज़ा तरीन जानकारियों से भरपूर एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लोक गायिका मैथिली ठाकुर को निर्वाचन आयोग ने किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने बनाया अजीबोगरीब रिकॉर्ड और मारी हैट्रिक, एक दलित आईएएस अधिकारी के बारे में जो आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव पद तक पहुंचे, जानिए कहां है दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन, किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना की जा रही है, साथ ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। जी हां, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। बिहार के मधुबनी जिले में जन्मी मैथिली ठाकुर अपने दो भाइयों के साथ लोकगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हारमोनियम और तबला में अपने दादा और पिता से प्रशिक्षित हैं। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में बिहार के पारंपरिक लोकगीतों का गायन किया है। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। गायिका मैथिली ठाकुर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं को जागरूकता पैदा करेंगी। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाल में तेलंगाना के किन मंदिरों को केंद्र सरकार के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए वीरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन बी रुद्रेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी भद्राचलम मंदिर, ऑप्शन डी सी व डी दोनों। जी हां, इसका सही उत्तर है डी। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारशिला रखी थी। बाद में रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, इसमें भी तीर्थ यात्रा और विरासत बुनियादी ढांचे का विकास नामक एक अन्य परियोजना शामिल की गई थी। इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इस प्रकार से सही उत्तर है सी व डी दोनों। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाल में दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए राजकुमारी सिंह, ऑप्शन बी मनीषा रामदास, ऑप्शन सी शिवा चौहान, ऑप्शन डी प्रीति सिंह। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिवा चौहान। शिवा चौहान 15,600 फुट ऊंची सियाचिन में पहरा देने वाली पहली महिला अफसर बनी है। ये देश की बेटियों के लिए गौरव का पल है। फायर एंड फ्यूरी कोर अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल में किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार मैच के पहले ओवर में विकेटों की हैट्रिक प्राप्त की है? ऑप्शन ए जयदेव उनादकट, ऑप्शन बी मुकेश कुमार, ऑप्शन सी अभिमन्यु मिथुन, ऑप्शन डी अशोक डिंडा। यह अगर आपका उत्तर ए है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही उत्तर है जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट ने दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया है। उनादकट रणजी ट्रॉफी मैच में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। उनादकट ने अपने स्पेल के पहले तीन ओवर में 6 विकेट झटके। जैसा कि आप जानते हैं, जयदेव उनादकट ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में 12 सालों बाद टीम इंडिया में वापसी की थी। उनादकट को सीरीज के दूसरे मैच में खेलने का मौका भी मिला था, जहां उन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट करियर का पहला विकेट लिया था। दोनों पारियों को मिलाकर 3 विकेट अपने नाम किए थे। उनादकट की कप्तानी में उनकी टीम सौराष्ट्र ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी भी जीती थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल में रविंद्र संगीत की मशहूर गायिका सुमित्रा सेन का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के रविंद्र संगीत की लेजेंडरी सिंगर सुमित्रा सेन की 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थीं। इन्हें 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संगीत महासम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल में लूला डिसिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी पेरू। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राजील।
लूला डा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। लूला डा सिल्वा लूला उपनाम से जाने जाते हैं। ब्राजील के 35वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वे वर्कर्स पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में यह तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण देश है। दक्षिण अफ्रीका के मध्य से लेकर अटलांटिक महासागर तक यह फैला हुआ है। वर्तमान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चर्चा में रही किताब ब्रेकिंग बैरियर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रवीश कुमार, ऑप्शन बी काकी माधव राय, ऑप्शन सी सुभाष कश्यप, ऑप्शन डी रविकांत शुक्ला। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काकी माधव राय। पूर्व आईएएस अधिकारी काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की नई किताब लिखी है, जो जमीनी स्तर पर सिविल सेवाओं की गतिशीलता के विवरण को संबोधित करती है और सूक्ष्म नीतियों और ज्ञान के अंतर को भी भरती है। पुस्तक का प्रकाशन एमएसको बुक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। माधव राव 1962 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाल में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 2 जनवरी को, ऑप्शन सी 1 जनवरी को, ऑप्शन डी 4 जनवरी को। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 जनवरी को। डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी 2025 तक, ऑप्शन सी 2040 तक, ऑप्शन डी 2035 तक। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2030 तक। भारतीय रेल ने अपनी सभी रेल पटरियों का विद्युतीकरण पूरा कर 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य तय किया है। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल में यूरो को अपनी आधिकारिक करेंसी के रूप में किसने अपनाया है? ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी पोलैंड। जी, अगर आपका उत्तर ए है तो आप बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक करेंसी के रूप में अपनाया है। क्रोएशिया यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना है। इसके साथ ही क्रोएशिया शेंगेन जोन में भी प्रवेश कर गया है। शेंगेन जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन है। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप यानी बाल्कन में पानोनियन प्लेन और भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है। देश का दक्षिण और पश्चिमी किनारा एड्रियाटिक सागर से मिलता है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जग्रेब है, जो तट के भीतर स्थित है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। पुर्तगाल की फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? ऑप्शन ए रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी बार्सिलोना, ऑप्शन सी अल नासर, ऑप्शन डी मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अल नासर। पुर्तगाल के कप्तान और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने नए क्लब अल नासर को ज्वाइन कर लिया है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाल में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन बी वी प्रणव, ऑप्शन सी आदित्य मित्तल, ऑप्शन डी रमन सिंह। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पश्चिम बंगाल के 19 वर्षीय कौस्तव चटर्जी ने नई दिल्ली में आयोजित एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 में तीसरा और अंतिम जीएम मानदंड हासिल करके भारत के 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वह पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी नीदरलैंड में।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक नया ब्रिटिश भारतीय सैन्य स्मारक बनेगा। यह स्मारक उन लाखों भारतीय सैनिकों की याद में बनाया जाएगा जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। यह ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी भाग में है। यहाँ की राजधानी एडिनबरा है और ग्लासगो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहली बार KR गोरियम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी डॉक्टर एलिडा ग्वेरा, ऑप्शन सी सुमन सिंह, ऑप्शन डी कमला हैरिस। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर एलिडा ग्वेरा। प्रथम KR गौरीअम्मा नेशनल अवार्ड क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया है। आज के प्रश्नों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्न और जानकारियों के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।